खाने के लिए और दिए और लाइट्स भी खरीद रहे हैं। ओह, तुम दीपावली की बात कर रही हो। इसके पीछे तो एक बहुत पुरानी कथा है, भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता की। वो कहानी क्या है ना, मुझे सुनाओ ना। तो ठीक है, सुनो। एक बार अयोध्या में चार राजकुमार हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ, परंतु कैकेयी माता के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया, पर वे मथुरा में बसने लगे। स्वामी देखिए ना, कितना सुंदर है, इसे पकड़िए ना। सीते, मुझे तो ये माया प्रतीत हो रही है। कैसी माया स्वामी, मुझे तो ये साधारण मेघ लग रहा है। ठीक है सीते, लक्ष्मण अपनी भाभी की रक्षा करना, मैं उस मृग के पीछे जा रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया लगता है किसी संकट में फंस गए हैं। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। जाओ तो लक्ष्मण, जाओ, जाकर अपने भैया की सहायता करो। लक्ष्मण, क्या तुम असुरों के भय से नहीं जाना चाहते? मैंने तुम्हें इतना कायर नहीं समझा था लक्ष्मण। भाभी, मैं कायर नहीं, मैं विवश हूँ। मैंने भैया को आपकी रक्षा करने का वचन दिया है। अभी ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। जाओ लक्ष्मण, जाओ और अपने भैया की सहायता करो। ठीक है भाभी, आज आपके इस आज्ञा के लिए मैं पहली बार अपने भैया को दिया हूँ वचन तोड़ने जा रहा हूँ। आपको दिया मुझे भाभी, मैंने अपने मंत्रों से एक अदृश्य दीवार बना दी, जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वो फंस हो जाए। आप कृपया इसके अंदर ही रहिए। अलग निरंजन, अलग निरंजन, विश्राम देवी, विश्राम देवी। प्रणाम नीरज। कल्याण हो पुत्री। पुत्री, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर हम इस आशा से आए हैं कि हमें भोजन मिलेगा। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आता हूँ। मुनिवर, कृपया आकर भोजन लेने की कृपा करें। देवी, हमने तो आसन ग्रहण कर लिया है, यही लेकर आओ। मुनिवर, मैं इस सीमा रेखा के बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तू इस प्रकार तो हमारा अपमान कर रही हो। मुनिवर, मैं विवश हूँ। तो ठीक है, एक विवश का पूरा कुल भोगेगा। हम तुम्हारे घर से बिना तृप्त हुए चले जाते हैं, परंतु हम तुम्हें शराब देते हैं। क्षमा मुनिवर, क्षमा, मुझे अपनी खुदी समझ कर मेरी व्यवस्था को कृपया जानिए। मुनिवर, हम सब जानते हैं देवी, अब तुम्हें क्षमा तभी मिलेगी जब तुम बाहर आके भिक्षा दोगी, वरना हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं मुनिवर, मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वही आती हूँ। सीते, तुम तो अति सुंदर हो, तुम्हें तो त्रिलोक स्वामी की पत्नी होना चाहिए। कौन हो तुम, साधु के रूप में पाखंडी? मैं हूँ लंकापति रावण। सीता पुत्री, हे रावण, ये ज्ञान बिना तू क्या कर रहा है? तू अपनी उनाप का मंथन दे रहा है। राम, मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया, उस पापी से मैं उसे बचा ना सका। मैं लज्जित हूँ, मैं लज्जित हूँ। कौन है वो दुष्ट? वो लंका का राजा रावण है राम, कृपया सीता को बचा लो राम। अब चिंता न करें राम, मैं उस रावण का नाश कर दूंगा। अब सब ब्रह्मा भी उसे मेरे बाणों से नहीं बचा सकते। अब निश्चिंता हो राम, अपने मित्र दशरथ के पास मुझे मुक्ति दो। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले और फिर उन्होंने बालिका वध किया और सुग्रीव की सहायता से माता सीता की खोज करने लगे। ये
परंतु तुम तो मुझे कोई मायावी क्या दिखाई पड़ते हो। नहीं माता, मैं श्री राम जी का एक सेवक हूँ। ये मुद्रिका उसका प्रमाण है, इसे देखिए और मुझ पर विश्वास करिए। हनुमान पुत्र मेरे स्वामी कैसे हैं? केवल आपकी ही चिंता में रहते हैं, मुझसे तो उनका ये दुख देखा नहीं जाता। माता आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इस लंका का नाश कर आपको मुक्त कर दूंगा। नहीं पुत्र, मैं अपने स्वामी की प्रतीक्षा करूंगी, ये मेरे प्रतिवर्ता धन की परीक्षा है। हनुमान पुत्र ये चूड़ामणि मेरी निशानी के बदले मेरे स्वामी को दे देना। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। उसके बाद श्री राम ने राम सेतु बनाया और लंका के विरुद्ध युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद आखिरी दिन रावण खुद आया श्री राम से लड़ने। आज तुझे ये लंका का निवारण के पल से तुझे राजित करूंगा, इससे देवता भी डरते हैं। यही आपका रावण तुम्हारी दुर्दशा का कारण है, तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो गया इसी अहंकार के कारण। चुप हो जाओ, तुम बोलना चाहते हो यही करना भी मुझे अवगत सिखाओ, ज्ञान नहीं। ठीक है रावण, अब मैं तुम्हारा आदि कहूंगा। भैया भरत, मैं आपके लिए सूचना लेके आया हूँ। प्रभु श्री राम और माता सीता